स्टूडेंट्स, कुछ 11th और 12th के वीडियोस बनाते बनाते बीच में मैंने आपको जैसे बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बात छोटी थी लेकिन मैंने इसको ज्योमेट्रिकली समझाया था और आपने पढ़ा भी था, एक दो बच्चों के कमेंट्स भी आए थे, लेकिन मैंने समझाया बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्रिकली इसका इम्प्रूवमेंट नहीं आता। जो अच्छे बच्चे जिनको अच्छे टीचर्स का गाइडेंस मिला है उनको ये बात पता थी पहले से, तो उनको धन्यवाद और उनके शिक्षकों को भी मेरा यहाँ से प्रणाम। आज चर्चा करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10th का एक टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए हम उसी पाइथागोरस थ्योरम को आज हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, ये मेरे पास एक ए बी सी डी है, मैंने इसको स्क्वायर लेट किया है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है और स्क्वायर का वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, आप जानते हैं। मैंने इस लेंथ को एक्स कंसीडर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैंने एक्स कंसीडर किया और इस लेंथ को वाई कंसीडर कर लिया। ये लेंथ हमारी एक्स हो गई, ये लेंथ हमारी वाई हो गई। फिर मैंने इस लेंथ को एक्स कंसीडर कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये वाई हो जाएगी, ये स्क्वायर है। और मैंने इस लेंथ को एक्स कंसीडर कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ वाई हो जाएगी। इतनी बात कोई टफ नहीं, आप समझते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर डिवीजन हो रहा है, इनको अगर हम मिलाएं, अगर हम इनको मिलाते हैं तो आपको एक नया फिगर दिखाई दे रहा है। अब इस नए फिगर को हम क्या कहेंगे, तो ये कॉन्ग्रेंसी का पार्ट है और इसमें कॉन्ग्रेंसी भी लग रही है। आपको मैं बताऊं कि जैसे ये एक्स है और ये वाई है और ये एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में भी देखिए एक्स वाई और 90 डिग्री है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये दोनों साइडें सेम होंगी। तो इसका मतलब अगर इस साइड की लेंथ जेड बोल दी तो ये भी जेड होगी। इसी तरीके से ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये सब जेड हो गया। दूसरी बात, अगर आप प्रूफ करेंगे तो यह एंगल 90 डिग्री निकलेगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। स्टूडेंट्स, आप कॉन्ग्रेंसी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मैं ये मान के वीडियो बना रहा हूँ। अब ये मेरे सामने एक स्क्वायर दिख रहा है और एक ये बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, और जैसा कि मैंने पहले भी जब ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया था आपको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ज्योमेट्रिकली पढ़ाया था, वैसे यहाँ पर ज्योमेट्रिकली हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इस पूरे एरिया का, इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो सम ऑफ एरिया ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। तो जैसे हम इसका एरिया निकालें तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर यू नो वेरी वेल साइड स्क्वायर, एंड व्हाट इज़ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, इस साइड इस स्क्वायर की साइड क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये ए बी सी डी का ये स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका एरिया है साइड स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम ये बताइए आप हमें कि अगर हम कहें कि इस पूरे ए बी सी डी का जो एरिया है वो एरिया ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया है हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो हम 4 टाइम्स लिख के ना सीधे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चारों ट्रायंगल का एरिया हो गया, चारों ट्रायंगल का एरिया हो गया। प्लस अगर हम इसका एरिया ऐड कर दें तो ये एरिया कैसा दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो ये तरीके से देखा जाए, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स एंड 1 स्क्वायर, इन पांचों फिगर का एरिया जो होगा वो इस पूरे ए बी सी डी स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये 2, 2 जा 4, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2xy प्लस जेड स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो ये टू एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को अगर हम अलग से कॉपी पेस्ट करके यहाँ बनाएं तो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा जेड है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड हो गया, यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थ्योरम समझ में आई होगी, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगता है, और शेयर करें, और भी कोई पुरानी जो बात समझ में ना आ रही हो आपको जो 6th 7th 8th में पढ़ी हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।